और मेरे चटरों, कैसे हो आप? आज हम लोग बनाएंगे सांभर की रेसिपी। आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे को बारी बार, जब भी मैंने इडली की रेसिपी डाली, जब भी मैंने डोसा की रेसिपी डाली। आज हम लोग होटल स्टाइल में बनाएंगे, जैसी हम लोग को उडीपी होटल में मिलती है ना। बहुत जने नहीं जानते हो कि उडीपी होटल क्या होती है। बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत फेमस होता है उडीपी होटल, वहाँ की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत सारे सीक्रेट्स दूंगा मैं आपको इस रेसिपी में, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें हम लोग सांभर मसाला यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया बनी ना सांभर। रेसिपी शुरू करते हैं भाई और बहनों। सबसे पहले तो हम लोग तुअर दाल भिजाएंगे। तुअर दाल यहाँ पर मेरे पास है 1/3 कप जितनी है। इसमें मैं पानी डाल देता हूँ 1/2 कप जितना, और इसको 1 घंटे के लिए भीजने के लिए रख देते हैं। जब तक ये दाल भीज रही है, तब तक मसाला बना लेते हैं, जो मैंने मसाले की बात की थी। तो सांभर मसाला बनाने के लिए हम लोग एक कढ़ाई गरम करेंगे। इस कढ़ाई में मैं डाल दूंगा तेल। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 बड़ा चम्मच जितना तेल। और तेल जैसे ही गरम हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल को, वो ध्यान रखिएगा। इसमें हम लोग डाल देंगे जीरा। 1 बड़ा चम्मच जीरा मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जीरा के साथ साथ हम लोग इसमें डाल देंगे मेथी दाना। यहाँ पर मेरे पास 1/2 चम्मच जितना मेथी दाना है। मेथी दाना के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे चना दाल, 1/2 चम्मच जितना है, लेकिन 1/2 बड़ा चम्मच जितना चना दाल है ये। चना दाल के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है चावल। ये जो चावल है ना, ऑलमोस्ट सभी जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो सभी डालते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग की सांभर सिल्की बनती है, मतलब एकदम ग्लेज आ जाता है और थोड़ी गाढ़ी भी बनती है। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हुआ। ये हम लोग डाल रहे हैं 1/2 बड़ा चम्मच। नॉर्मल सोना मसूरी चावल यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा कोई स्पेशल चावल नहीं है इस रेसिपी में। नेक्स्ट हम लोग इसमें डाल देंगे धनिया। यहाँ पर गोटा धनिया है मेरे पास, 1 बड़ा चम्मच धनिया है। उसी के बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1/4 चम्मच जितना हींग, जिसको एसाफोटिडा भी कहते हैं। हींग के बाद हम लोग इसमें डालेंगे 2 लौंग और 1 इलायची। हरी इलायची यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन। यहाँ पर मेरे पास है 6 से 7 छोटी लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच जितना अदरक। अदरक के बाद हम लोग इसमें डालेंगे नारियल। यहाँ पर मेरे पास है 2 बड़े चम्मच जितना नारियल। आखिर में हम लोग इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते। यहाँ पर मेरे पास है एक जो डंडी होती है ना कड़ी पत्ते की, वो सारे पत्ते हैं, समझिए 10-12 पत्ते हैं कड़ी पत्ते के। अब इसको हम लोग लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कुछ जो मसाले हैं वो चटकने ना स्टार्ट हो जाए। आप अभी देख सकते हो कैसे थोड़े थोड़े फूटने लग गए हैं, उछलने लग गए हैं मसाले, नाच रहे हैं तेल में बेसिकली। अब हम लोग इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। यहाँ पर मेरे पास है 10 से 12 लाल मिर्च, जो कि गोटा लाल मिर्च है। इस लाल मिर्च को भी हम लोग लो फ्लेम पर भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए। चलिए भाइयों, मसाला भी भून गया है, लाल मिर्च भी भून गई है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले और साथ में प्याज भी। बाकी के मसाले में यहाँ पर मेरे पास है 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में झाल नहीं रहती है, मतलब वो स्पाइसी नहीं रहती है, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। अब हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज। यहाँ पर मेरे पास है 1 बड़ा प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। इसको डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद नमक डाल देंगे। यहाँ पर मैं है ना थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। नमक को अच्छी तरह मिलाने के बाद 2-3 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर भूनेंगे। ये जो भूनने का स्टेप है ना, इसी से असली स्वाद आएगा सांभर का। ये अगर आप एक बार घर में बना लोगे तो पैकेट का मसाला खरीदना भूल जाओगे। चलिए भाइयों और बहनों, हम लोग का प्याज भी भून गया है, मसाला भी भून गया है। गैस को कर देते हैं बंद और इसको हटा देता हूँ मैं गैस से, ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाता है ना, इसको एक मिक्सी में डाल लीजिए। मिक्सी के ग्राइंडर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे हम लोग इसमें, क्योंकि सूखा पीसने में थोड़ी मुश्किल होगी। पानी डालने के बाद इसका एकदम महीन पेस्ट बनाना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। अगर ये स्मूथ नहीं होगा तो चावल अपना काम नहीं करेगा, दाल अपनी काम नहीं करेगी, और जो मसाला है वो अपना काम नहीं करेगा। तो एकदम स्मूथ पेस्ट बनाइए इसका। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया पेस्ट बना है। अब हम लोग इसकी सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए हम लोग एक कुकर गरम करेंगे और कुकर में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच जितना तेल। आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो। तेल जैसे ही गरम हो जाता है, हम लोग इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसी के साथ में हम लोग इसमें सब्जियाँ भी डाल देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर है लौकी। लौकी बिना सांभर तो बन ही नहीं सकती है, मतलब सांभर बिना लौकी तो बन ही नहीं सकती है। तो थोड़ी सी लौकी है, उसी के साथ में थोड़ी सी मूली भी है।
सब्ज़ी की जो चॉइसेस है बहुत जने को पसंद नहीं आएगी। इसी के साथ में थोड़ा सा टमाटर भी है, अगर आप चाहो तो इसमें आप है ना ड्रम स्टिक्स भी डाल सकते हो, इसमें आप चाहो तो भिंडी भी डाल सकते हो, आलू भी डाल सकते हो, मैंने नमक भी डाल दिया है थोड़ा सा। सब्ज़ी की चॉइसेस आपके ऊपर है, ये तीनों सब्ज़ी बहुत कॉमन है यहाँ पर सांभर में, इसलिए मैंने ये डाली है। 2 मिनट तक हम लोग इसको अच्छी तरह भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम लोग इसमें सांभर मसाला डाल देंगे, जो पेस्ट बनाया था ना हम लोग ने वो इसमें डाल देंगे। इस मसाले को अच्छी तरह 1 मिनट तक भून लेते हैं फिर से। मेरे मिक्सी के ग्राइंडर में थोड़ा और मसाला था तो पानी मिलाकर मैंने डाल दिया इसमें, और साथ ही में हम लोग इसमें तुअर दाल भी डाल देंगे। जो तुअर दाल हम लोग ने पहले भिजाई थी ना वो ऐसी पूरी भीग चुकी है, वो मैं इसमें डाल देता हूँ। और इसमें अब हम लोग 4 कटोरी पानी डाल देंगे, जितनी आपने सूखी दाल ली थी ना उससे 8 गुना पानी अभी डालना है इसमें, तो वैसे आप नाप कर डाल सकते हो, या फिर जितनी फूल गई है उससे 4 गुना पानी। अब इसको हम लोग अच्छी तरह मिला देंगे और एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। आप अभी देख सकते हो कैसे उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम लोग इसको हाई फ्लेम पर 5 सीटी के आने तक पकाएंगे। जब 5 सीटी आ जाती है ना फ्लेम को कर दीजिए लो, और लो करने के बाद इसको 15 मिनट तक पकाइए। 15 मिनट पूरी होने के बाद गैस को कर दीजिए बंद, और इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है, इसको नेचुरली जो भी प्रेशर है वो निकलने दीजिए। आधे घंटे लगेगी, आधे घंटे बाद आप देख सकते हो कैसे है ना विसल में एकदम भी प्रेशर नहीं रहा है। मैं इसको निकाल देता हूँ, मतलब जल्दबाजी में नहीं बनाना है, आराम से बनाना है घर में। आप अभी देख सकते हो पूरी सांभर अच्छी तरह पकी है, एकदम बढ़िया दिख रही है, बस कुछ चीज़ों की कमी रह गई है वो अभी हम लोग पूरी करेंगे। दिखने में तो भाई आपको मानना पड़ेगा लग रही है ना एकदम मज़ेदार। रेसिपी को पूरा करते हैं, मैं गैस को फिर से चालू कर देता हूँ और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। आप अभी देख सकते हो कैसे धीरे धीरे उबाल आना स्टार्ट हो चुका है कोने से, कैमरे में अच्छी तरह नहीं दिख रहा है। हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ी सी इमली, यहाँ पर मेरे पास घर में भीजी हुई इमली है इसलिए मैं 3 बड़े चम्मच जितना डाल रहा हूँ। अगर आप पैकेट की इमली यूज़ करते हो, मतलब पैकेट में जो मिलती है ना इमली का पेस्ट वो यूज़ करते हो, तो थोड़ी सी ही डालिएगा शुरू में। इमली के साथ साथ हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुड़, गुड़ इमली से है ना सांभर खट्टी मीठी स्पाइसी हो जाती है, तो एकदम टेस्टी लगती है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास इमली नहीं हो तो अमचूर यूज़ कर लीजिए, गुड़ नहीं हो तो चीनी यूज़ कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर तो है ना इमली गुड़ के बिना कोई सांभर कंप्लीट ही नहीं होती है, तो वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। अब हम लोग की सांभर ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है तड़का। तो सांभर में लगाते हैं एक तड़का हम लोग। अब तड़का बनाने के लिए हम लोग एक तड़का पैन गरम करते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच जितना तेल, आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही तेल गरम होता है हम लोग इसमें डाल देंगे सरसों, आप देख सकते हो कैसे सरसों चटकने लग गई है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, यहाँ पर मैं 3 से 4 गोटी लाल मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है। एक बार लाल मिर्च को चम्मच से चला देता हूँ ताकि वो जले ना। और इसमें अब हम लोग डाल देंगे कड़ी पत्ते, 4-5 कड़ी पत्ते हैं बड़े वाले, अगर छोटे वाले हो तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। इसको एक बार मिला देते हो, और सावधानी से मिलाइएगा, तेल उछल सकता है क्योंकि कड़ी पत्ता में पानी होता है ना तो वो उछल जाता है। अब हम लोग ये तड़के को डाल देंगे सांभर में। अरे वाह, देखने में बढ़िया दिख रही है ना। मैंने यही तड़का पैन एक बार सांभर में भी डालकर चला दिया है ताकि जो भी फ्लेवर है तड़का पैन में वो उसमें आ जाए। सांभर ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूँ, रेडी ही है, बस एक बार अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर टेस्ट करके मिलाना है। थोड़ा नमक कम बेसी हो सकता है या फिर ना गुड़ कम बेसी हो सकता है, वो आप मिला लेना। मैंने भी थोड़ा सा नमक मिलाया था इसमें, देखने में बढ़िया लग रही है, टेस्ट करने में और भी ज़्यादा बढ़िया होगी, तो सर्व कर लेते हैं। मैं इसको आज इडली के साथ सर्व कर रहा हूँ और साथ में चटनी भी है। मुझे तो भाई ये इडली के साथ बहुत पसंद आती है, मतलब मैं इसमें इडली भिजा देता हूँ आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद इडली सारा जो फ्लेवर्स है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बहुत टेस्टी लगता है वैसे। अभी तो भाई मैं एक बार में डुबा कर एक बार में काट कर खा के दिखा रहा हूँ, दिखने में बढ़िया दिख रही है ना, तो कब बना रहे हो? आप सभी ने रेसिपी तो देख ली, इसको चाहे आप इडली के साथ सर्व करो या फिर डोसा के साथ, वड़ा के साथ या फिर उत्तपम के साथ, स्वाद एकदम मज़ेदार आता है। मुझे तो भाई ये इडली के साथ बहुत पसंद है, थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी मीठी होती है, थोड़ी स्पाइसी होती है, और साथ में सारे मसालों का जो टेस्ट आता है ना एकदम लाजवाब होता है। तो बनाइए आपके घर पर और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसी बनी।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छी लगेगी। मैं तो भाई ये एक बार बनाता हूँ, 2 दिन तक खाता हूँ, स्वाद और टेस्टी हो जाता है सेकेंड डे। तो आप भी बनाइए वैसे ही और खाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन रुकिए, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करना। फेसबुक में देख रहे हो तो लाइक बटन होगा, उसे भी क्लिक करना। यूट्यूब में भी होता है, उसे क्लिक ज़रूर करना। अभी के लिए बाय।